वेलकम टू मनीष गुरु। आज 23 अगस्त स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फिल्म निर्माता का अगस्त 2021 में निधन हो गया? तो ये प्रदीप गुहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के लिए 500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है? तो ये है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 20 अगस्त 2021 को मणिपुर के कितने स्वदेशी खाद्य उत्पाद लॉन्च किए गए? ये 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य ने मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTPC द्वारा सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? कल्याण सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये है इस्माइल साबरी याकूब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान को केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में उन्नत किया गया, यह कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक 100 और भूकंप वेधशालाओं को जोड़ देगा 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने इनमें से किसके साथ विलय की घोषणा की है? ये भारतीय शतरंज संघ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन IPL में खेलने वाला पहला सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनेगा टिम डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने इनमें से किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? रेस बॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने SMTPL में कितनी हिस्सेदारी प्राप्त की है? तो ये है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्मार्टफोन बाजार 2021 में कितनी इकाइयों की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तैयार है? तो ये 173 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के नियामक पैकेज 2.0 के तहत बैंकों ने कितनी राशि के ऋणों को पुनर्गठित किया है? तो ये है 35,000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने अशोक यंग चेंज मेकर्स को प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सेटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए इनमें से किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह IDFC फर्स्ट बैंक।